वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं सुनीता गोयल को कपितम्ब में आपका स्वागत करती हूं आज मैं आपको हरी मटर को स्टोर करना बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से इसको स्टोर कर लेते हैं हम इसको स्टोर करके साल भर खा सकते हैं किसी भी डिश में आप कोई भी तरह से किसी भी तरह से आप इसका इस्तेमाल करें और यहाँ मैंने दो के जी मटर ली है इसको मैंने धो लिया है छील के अच्छे से अब यहाँ हमने पानी गर्म होने रख दिया पतीले में दो चम्मच चीनी ली है मैंने दो के जी मटर के लिए मैंने दो चम्मच चीनी ली है चीनी से मटर का कलर बहुत ही अच्छा आता है इससे मटर का कलर चेंज नहीं होता है अब ये पानी हमारा बॉईल हो चुका है हम मटर इसमें ऐड कर देते हैं इसको एक बॉईल आने तक हमें इसमें गर्म पानी में रखना है मटर को ये देखिए हमारी मटर अच्छे से एक बॉईल आ चुका है पानी में गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इस मटर को हम छलनी में निकाल लेंगे और इधर हम अपना किसी बर्तन में पहले से पानी ऐड करके उसमें आइस क्यूब ऐड कर देंगे हमें ठंडे पानी की ज़रूरत है छलनी लेंगे हम उसमें उसमें हम अपनी सारी मटर निकाल लेते हैं गर्म पानी में से और इस ठंडे पानी में ऐड कर देते हैं इसको पाँच मिनट के लिए इसमें पड़ा रहने देते हैं जब हमारी मटर अच्छी तरह से ठंडी हो जाए उसके बाद हम एक बाउल में निकाल लेंगे मटर हमारी तैयार है स्टोर करने के लिए इस तरह से हम एक जिप वाली पन्नी लेंगे आप नमकीन वगैरह की जो पन्नी आती है वो भी ले सकते हैं ये मेरे पास इस तरह की पड़ी हुई थी तो मैंने यही ली है इसमें मटर भर लेंगे और जिप बंद कर देंगे सारी मटर को इसी तरह से हमें पन्नियों में भर लेनी है और जिप एड बंद करके इसको फ्रीजर में लगा देना है फ्रिज में हमें अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर...